नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कार पॉइंट हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आज का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं ऑल्टो KTN के एयर कंडीशनर और हीटर सिस्टम के ऊपर। हमें किस तरह से इसको यूज करना है और इसमें जो स्विचेस दिए रहते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो इनका क्या यूज है, किस तरह से इनको प्रॉपर यूज कर सकते हैं, किस स्विच से हम क्या काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस तरह के तीन नॉब देख रहे होंगे, 1, 2, 3। तो जो फर्स्ट वाला नॉब है उसका क्या काम है, सेकंड, थर्ड, इनके क्या काम है, ठीक है। तो मैं क्रम बाय क्रम आपको बताता हूँ। जो पहला जो नॉब दिया गया है जिसपे ये साइन बने हुए हैं तमाम, ये जो नॉब है दोस्तों, हमारा जो एयर का फ्लो है, हमें हवा कहाँ से चाहिए उसके लिए दिया गया है। इस पे अलग अलग साइन बने हुए हैं, तो ये एयर के फ्लो को मेंटेन करने वाला नॉब है, ठीक है। सेकंड वाला जो है, ये हमारा यहाँ पर फैन छपा हुआ, देखिए, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है। इसका जो काम है दोस्तों, जो हमारा ब्लोअर है उसकी स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए है, ठीक है। एक रेगुलेटर, जिस तरह से हमारे कूलर या पंखे में जो रेगुलेटर दिया रहता है कि हमको फैन की स्पीड कम करनी है, ज़्यादा करनी है, उसी तरह इसका काम है। ब्लोअर मतलब हमारी कार में एक फैन होता है दोस्तों, जो एसी की हवा हमको केबिन में पहुंचाता है, हमारे केबिन में पहुंचाता है। और सेकंड के बाद हम आते हैं थर्ड पे। तीसरा वाला जो नॉब दिया गया है दोस्तों, उसमें आप देख रहे हो एक ब्लू साइन दिया गया है, एक रेड साइन दिया गया है। तो बहुत सी कार में ये ब्लू की जगह ग्रीन भी होता है और इधर रेड होता है, ठीक है। इसमें ब्लू दिया गया है, तो ब्लू का मतलब होता है दोस्तों, अगर हमारा नॉब इस तरफ है तो इसका मतलब है ये अभी ठंडा, यानी ठंडी हवा फेंकेगा। जैसे जैसे हम इसको ऊपर ले जाएंगे वैसे वैसे हवा ठंडी कम हो जाएगी, और इस तरफ जैसे जैसे लाएंगे ये हॉट होती जाएगा, यानी कि गर्म का काम करता है। उसके बाद एक नीचे इस तरह का स्लाइड करने वाला स्विच दिया गया है, सभी कारों में दिया रहता है, जिसमें मैनुअल एसी सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं होता है। तो जो मैनुअल एसी है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो मैनुअल एसी में ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें दी रहती हैं, ठीक है। तो इस पे आप देख रहे होंगे यहाँ पर कार छपी हुई है, कार के अंदर एक एरो का निशान छपा हुआ है राउंड लेते हुए, यानी कि हमारा जो ब्लोअर है, पंखा है, वो हमारी कार के अंदर से ही हवा ले रहा है, वो अंदर ही हमें हवा दे रहा है, यानी अंदर जो कार के हवा है उसी को खींचकर वो हवा हमको दे रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको इस तरफ कर देते हैं दोस्तों, तो इसमें देख रहे होंगे आप, बाहर से एरो का साइन बाहर से अंदर आ रहा है, कार में एंटर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ब्लोअर है, पंखा है, वो बाहर से हवा ले रहा है, और ताजा हवा जो बाहर की है वो हमारे केबिन में पहुंचा रहा है, अंदर कार में पहुंचा रहा है, ठीक है। इसको हम वापस इधर कर देते हैं। अब इस पे जो साइन बने हुए हैं दोस्तों, एयर फ्लो का जो कंट्रोल सिस्टम है, हमें एयर कहाँ से चाहिए, उस पे अलग अलग साइन का क्या मतलब, मैं बताता हूँ आपको क्रम बाय क्रम। पहला जो साइन आपको दिख रहा है, जो हमारे चेहरे पे सीधे एरो का निशान बना हुआ है, ये इसका मतलब ये है दोस्तों, जो हमारे एसी वेंट दिए गए हैं, ये चारों, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, जो एसी वेंट दिए गए हैं, जब हमारा ये नॉब का साइन इस साइन के सामने होगा, तो हमारे ये चारों एसी वेंट से सामने की तरफ हवा आएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस पे कर देते हैं सेकंड वाले पे, तो इसमें एक नीचे एरो का बना, एक फ्रंट में बना, सामने बना हमारे चेहरे पे। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारा जो केबिन है उसमें ड्राइवर साइड इस तरफ और पैसेंजर साइड फ्रंट सीट पे नीचे से, यानी पैरों पे हवा आएगी, और ये चारों एसी वेंट से भी हवा आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पैरों पे हवा आएगी और सामने से भी आएगी। और अगर हम इसको इस पे कर देते हैं इस साइन पे, तो इसका मतलब है दोस्तों हमारे केवल पैरों में हवा आएगी, ठीक है, ड्राइवर और पैसेंजर साइड सामने की जगह पैरों में हवा आने लग जाएगी। और अगर हम इस पे करते हैं, तो इस पे आप एक डाउन एरो का साइन देख रहे हैं, यानी पैरों की तरफ, और एक ये साइन देख रहे हैं वो विंड स्क्रीन का साइन है, उस पर तीन एरो बने हुए ऊपर की तरफ। इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो डाउन एरो का मतलब तो हम समझ गए हैं कि हमारे पैरों में हवा आ रही है, डाउन एरो का मतलब है हमारे पैरों की तरफ से हवा आएगी। उसके बाद विंड स्क्रीन का जो साइन बना उसके तीन एरो ऊपर की तरफ बने हुए हैं, इसका मतलब है दोस्तों ये जो आपको वेंट दिख रहे हैं यहाँ पर आपकी विंड स्क्रीन के लिए दिए गए हैं,
तो इनका क्या यूज होता है दोस्तों, कब यूज होता है? इनका यूज तब होता है दोस्तों जब हम कोहरे में कार चलाते हैं या बारिश में कार चलाते हैं, जब हमारी कार की विंडस्क्रीन में मॉइस्चर आ जाता है और हमको दिखना कम हो जाता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, तब हम गर्म हवा के थ्रू जो मॉइस्चर होता है उसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो जो एयर का फ्लो है वो इसमें से आने लग जाएगा जब हमारा जो नॉब का साइन है वो इसके सामने होगा, तो नॉब होगा जो इसके सामने, इस साइन के सामने होगा। ठीक है, उसके बाद आता है ये वाला, उसके बाद होता है ये, केवल इस पर विंडस्क्रीन छपी हुई है और एरो का साइन बना हुआ है। तो इसका काम भी वही है दोस्तों, पूरी हवा कहाँ से आएगी? केवल विंडस्क्रीन के वेंट से आने लग जाएगी दोनों साइड से। ठीक है, और कहीं से हवा नहीं आएगी, ना पैरों से आएगी ना चारों ऐसी वेंट से आएगी। तो ये और तेज रफ्तार में हवा इसमें से निकलने लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि पूरा फ्लो इसी में से आएगा तो तेज हो जाएगी हवा। तो इस जो फैन का काम होता है दोस्तों वो कोहरे में और बरसात में काम आता है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे दोस्तों इस पे लिखा है यूज विथ, और ये साइन छपा हुआ है, ये साइन कौन सा है दोस्तों? देखिए ये साइन और ये साइन दोनों सेम है। मतलब कहने का ये है, जब भी आप ये दोनों पर, दोनों का यूज कर रहे हैं, जब आपका नॉब इस पर या इस पे हो, तो अच्छे परिणाम के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इसका जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो आपको बाहर की हवा लेके इसको ऑन करना है। इसको अगर इस पर है तो बाहर की हवा लोगे तो जल्दी से आपको आपकी विंड स्क्रीन से जो धुंध है, मॉइस्चर है, वो हट जाएगा। तो जब भी आप इस पर या इस पर अपना नोब रखें इसका, तो आपको बाहर की हवा अंदर आने देना है। ठीक है, अभी हम इसको वापस कर देते हैं। तो ये जो कंट्रोल है और इसके जो जो भी साइन बने हो उनका मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, और इसका मतलब है आपकी ब्लोअर पंखे की रफ्तार कम ज़्यादा करने के लिए, और इसका ये गर्म के लिए और ये ठंडे के लिए। अगर आपने मान लीजिए इधर कर दिया तो ना ज़्यादा ठंडा होगा ना ज़्यादा गर्म होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम जब हम एसी ऑन करते हैं दोस्तों, तो जब हम एसी ऑन करेंगे तो ये स्विच को इस तरह से दबाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों, जब हम एसी ऑन करते हैं तो एसी ऑन करेंगे दोस्तों, तो एक यहाँ स्विच दिया गया है, इस स्विच को हम इस तरह से प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद हमारी कार जब स्टार्ट होगी, चल रहे होंगे हम, तो जैसे ही हम ब्लोअर की स्पीड बढ़ाएंगे, ब्लोअर ऑन कर देंगे, तो यहाँ पर एक लाइट जलने लग जाती है। ठीक है, इससे पता चल रहा है हमारा कार का एसी सिस्टम काम कर रहा है, एसी की जो मोटर है वो चालू हो चुकी है, कंप्रेसर है जो काम करने लगा है। ठीक है, तो इसको बंद करेंगे तो हमारी कार का एसी का जो कंप्रेसर वो भी बंद हो जाएगा। ठीक है, और एक इस तरफ स्विच टाइप का दिया गया है, ये एक्चुअली ये स्विच नहीं है, ये कोई एक स्विच के लिए जगह ही थी, और ये बहुत सी कारों में क्या होता है, ऑल्टो केटेन में ये रियर डिफोगर जो होता है, पीछे का जो कांच होता है उसमें सर्दियों में या बरसात में मॉइस्चर जम जाता है, उस पर एक डिफोगर होता है, उसके लिए यहाँ पर स्विच दिया रहता है, चूंकि ऑल्टो केटेन में ये सिस्टम नहीं है, उसका स्विच यहाँ पर फिट रहता है। ठीक है, अब हमारे मित्रों ने कुछ ने ये भी सवाल पूछा है, क्या जब हम हीटर चला दें तो हमको क्या एसी का स्विच भी दबाना चाहिए? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हीटर और एसी दोनों अलग चीज़ हैं। हीटर का काम है हमारी कार को गर्म करना, ठीक है, और एसी का काम है हमारी कार को ठंडा करना। तो हीटर चलाते समय हमको ये नॉब रेड पे रखना है और अपना ब्लोअर ऑन करना है, स्पीड उसकी अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, एसी को नहीं करना, एसी का जो स्विच है वो ऑन नहीं करना। उससे क्या होगा, अगर आपने ऑन कर दिया तो आपकी कार का फ्यूल फालतू में वेस्ट होगा, ठीक है, और एसी का कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों का सिस्टम अलग है, एसी का सिस्टम अलग होता है दोस्तों और हीटर का सिस्टम अलग होता है। इसलिए आप एसी का स्विच को प्रेस ना करें, दबाएं ना, ऑन ना करें हीटर चलाते समय। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपके कोई सुझाव या सवाल हैं या आप चाहते हैं कि और किसी टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए या मेरे द्वारा आपके लिए कोई वीडियो बनाया जाए, तो मुझे सजेस्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।